नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में थमा चुनाव प्रचार, मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू। अगरतला, त्रिपुरा में पूरे जोर शोर से चल रहा चुनाव प्रचार शुक्रवार को खत्म हो गया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए 18 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में अब तक असफलता का स्वाद चखने वाली भाजपा ने वाम दल के इस गढ़ में उसके 25 साल के शासन को खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जैसे भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार किया। हालांकि राज्य में अब तक वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखा गया है, लेकिन इस बार कांग्रेस का चुनाव प्रचार उतना आक्रामक नहीं रहा। पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने प्रचार के अंतिम दिन चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कड़ा मुकाबला। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी कहा कि 18 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला माकपा और भाजपा के बीच होने जा रहा है। त्रिपुरा में जहां लेफ्ट की सरकार है, वहीं मेघालय में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि नागा पीपुल्स फ्रंट लीड डेमोक्रेटिक गठबंधन नागालैंड में सत्तासीन है। डेमोक्रेटिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा समर्थित है। 18 फरवरी को मतदान, 3 मार्च को मतगणना। त्रिपुरा की आबादी 37 लाख है, जिनमें मतदाताओं की संख्या करीब 25 लाख है। 2013 विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ माकपा को 48.11% वोट मिले थे। माकपा ने 60 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 36.53% वोट मिले थे और उसने 10 सीटों पर कब्जा किया था। एक सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। इस चुनाव में 60 सीटों पर कुल 297 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि वामदल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान 18 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 3 मार्च को होगी। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।